दिस इज अखिलेश, स्वागत है आप सबका बीएसएस ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग ग्लोब के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, ग्लोब है। ग्लोब आप लोग अपने स्कूल में आप लोग देखे होंगे, या फिर अपने ऑफिस में कहीं जाते होंगे वहां देखे होंगे, या फिर जहां पे कॉपी किताब बिकता है वहां पे भी आप लोग ग्लोब देखे होंगे, और आप लोग पिछले क्लास में ग्लोब के बारे में पढ़े हुए थे। तो चलिए आज इस ग्लोब के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये ग्लोब क्या होता है, ठीक, और या फिर कह सकते हैं ग्लोब किसे कहते हैं, ग्लोब किसने बनाया, पहली बार ग्लोब किसने बनाया, अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, देशांतर रेखा किसे कहते हैं, या इक्वेटर भूमध्य रेखा किसे कहते हैं, कर्क और मकर रेखा क्या होता है, ये सारे चीजों के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए इस आज के इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम कहेंगे आप लोगों से कि अगर आप लोग को ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें और शेयर करें तथा इसे सब्सक्राइब करें, जिससे कि अगर अगला वीडियो आए तो आपको मिल सके। तो चलिए इस टॉपिक पे हम लोग आते हैं सीधे। ग्लोब, देखिए ग्लोब किसे कहते हैं, ग्लोब पृथ्वी का एक नमूना अर्थात पृथ्वी जैसी आकृति का एक मॉडल है जो पृथ्वी की आकृति का सही सही प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। मतलब जैसे पृथ्वी है उसी का एक ये लघु रूप है, या छोटा कह सकते हैं, पृथ्वी जैसा दिखने वाला हूबहू। जैसे आप लोग कार देखे होंगे और जो बाजार में जो खिलौने मिलते हैं वो भी कार जैसा ही दिखता है, तो कार का समझिए एक मिलता जुलता एक रूप है या फिर एक लघु रूप है। उसी तरीके से हमारा जो ग्लोब है वो पृथ्वी का एक क्या है, लघु रूप है, ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं इसके हिस्ट्री के बारे में कि ग्लोब सबसे पहले किसने बनाया, ठीक है। तो दुनिया में सबसे पहला ग्लोब जर्मनी के मार्टिन बेहम ने बनाया था, ठीक है। ग्लोब तो बहुत लोग बनाए लेकिन सबसे पहले ग्लोब किसने बनाया, दुनिया में सबसे पहला ग्लोब किसने बनाया, जर्मनी के मार्टिन बेहम ने बनाया था। इससे हमें इसको बनाने से बहुत मतलब हम लोगों को सहायता होता था। उस समय क्या होता था कि लोगों को यात्रा करना होता था कि इस कॉन्टिनेंट से या फिर इस महाद्वीप से उस महाद्वीप पे जाना है तो कैसे जाएंगे, कैसे रास्ता, सारा कुछ वो लोग इससे थोड़ा सा सहायता लेते थे कि पृथ्वी हमारी कैसी है, कहाँ जाना है, ये सारी ढेर सारी जानकारी ये लोग ग्लोब की मदद से लेते थे, ठीक। अब हम बात करते हैं अक्षांश रेखा के बारे में, ठीक। तो अक्षांश रेखा सबसे पहले हम बताएंगे आप लोगों को कि जब भी हम लोग ग्लोब देखते हैं या फिर कोई मैप देखते हैं तो उसमें इस चीज को ध्यान रखना है कि ऊपर की जो होती है ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ साउथ, और ये इधर हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट, ठीक। तो ग्लोब क्या है, सॉरी अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, तो अक्षांश रेखा ग्लोब पर पूरब पश्चिम खींची गई काल्पनिक रेखाएं, ठीक। अब यहां समझ सकते हैं, ठीक, यहां पे क्या हो गया, इधर क्या हो गया ईस्ट, इधर क्या हो गया वेस्ट, ठीक। तो पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की तरफ खींची गई रेखा जो होती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, अक्षांश रेखा, ठीक, अक्षांश रेखा। ये ध्यान रखना है, क्षैतिज यानी कि क्षैतिज रेखा खींची जाएगी जो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, अक्षांश रेखा, ठीक। अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, ग्लोब पर पूरब पश्चिम खींची गई काल्पनिक रेखा को हम लोग क्या कहेंगे, अक्षांश रेखा कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं देशांतर रेखा किसे कहते हैं, तो देशांतर रेखा किसे कहते हैं, ग्लोब पर जो
उत्तर और दक्षिण यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जो मिलाने वाली रेखा होती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, देशांतर रेखा कहते हैं, ठीक है। या फिर कह सकते हैं ग्लोब पर उत्तर दक्षिण खींची गई काल्पनिक रेखा, जैसे ऊपर हो गया उत्तर, नीचे हो गया दक्षिण, नॉर्थ और साउथ, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, देशांतर रेखा, ठीक। इतना समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर जब हम लोग क्लास में मिले तो वहां पे भी डिस्कस किया जा सकता है, ठीक है। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, अक्षांश और देशांतर रेखा को एक साथ देखते हैं, ठीक, कि कैसे। तो ऐसे देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ, इधर ईस्ट इधर वेस्ट, ठीक है। तो अक्षांश जो ये ऊपर, दोनों ऊपर ध्रुव हो गए, नॉर्थ पोल नीचे साउथ पोल, ठीक है। यहां देखिए लिखा हुआ उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो जो रेखा क्षैतिज खींची गई है मतलब पूर्व से पश्चिम की तरफ, तो उसको हम लोग कहेंगे अक्षांश रेखा, और जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है, ठीक है, दोनों ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, देशांतर रेखा। आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्वेटर, इक्वेटर, इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा, इसको हम लोग विषुवत रेखा भी कहते हैं, ठीक। ये क्या करता है, हमारे पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देता है, ठीक है, दो बराबर भाग में। जैसे समझिए कि अगर आपके घर में कुछ आया तो आपके पेरेंट्स या फिर जो भी हैं कहे इसको दो बराबर भाग में बांट दीजिए, जैसे तरबूज है तो उसको दो बराबर भाग में बांट दीजिए, तो उसी तरीके से ये जो ग्लोब है इसको बराबर भाग में बांटने वाली जो काल्पनिक रेखा है उसी को हम लोग इक्वेटर भूमध्य रेखा भी कहते हैं, और इसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये देखिए, यह पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित कर देती है, मतलब कि ये जो हमारा जो पृथ्वी है इसको दो भाग में बांट देता है, इसी को हम लोग इक्वेटर कहते हैं, ठीक। यहां पे देखिए, ये उत्तरी ध्रुव, नीचे दक्षिण ध्रुव, और ये भूमध्य रेखा। समझ में आ गया, देशांतर रेखा किसे कहते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं कर्क, मकर एवं भूमध्य रेखा, ये तीनों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। तो देखिए, ये हमारी जो पृथ्वी है, हम सब जानते हैं, ग्लोब देखते होंगे कि झुकी हुई है, ठीक है। तो पृथ्वी, ये जो बीच में रेखा खींची गई है, ये क्या हो गया आपका, इक्वेटर यानी कि देशांतर या फिर भूमध्य रेखा। और इससे हम लोग जब नॉर्थ साइड में बढ़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा क्या, कर्क रेखा, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। और फिर जब साउथ की तरफ बढ़ेंगे, साउथ पोल की तरफ, तो हमारा पड़ेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसे हम लोग कहते हैं मकर रेखा, ठीक है। और बीच में हमारा क्या है, ये इक्वेटर। तो आज के इस क्लास में आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा हम जो बात कर रहे थे, जितने चीजों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, जैसे यहां पे देखिए कि ग्लोब किसे कहते हैं, ग्लोब किसने बनाया, अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, देशांतर रेखा किसे कहते हैं, इक्वेटर भूमध्य रेखा किसे कहते हैं, कर्क और मकर रेखा क्या होता है, ठीक। तो और भी हम लोग जब अगले वीडियो में देखेंगे तो इसमें हम लोग जानेंगे कि क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा का के जो ऊपर साइड होता है वो क्या होता है, कर्क रेखा। और ये देखिए, यहां पे हम लोग देख सकते हैं, देखिए ये जो देशांतर होता है, जो देशांतर रेखा जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाती है, इससे हम समय की गणना करते हैं, ठीक है, समय की गणना, इससे हमारी समय की गणना होती है। और इससे हम लोग पता करते हैं कि हमारे पृथ्वी पे तापमान कहाँ ज्यादा है या कहाँ कम है, ठीक, जैसे उष्णकटिबंध क्षेत्र, शीतकटिबंध क्षेत्र, ये सारी चीजें हम लोग अक्षांश रेखा से पता करते हैं, ठीक। ये चीज आप लोग को समझ में आ गया, चलिए आज इस ग्लोब के सेशन में हम लोग
सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड को शेयर करें, जो आपके अगर आप पेरेंट्स देख रहे हैं तो अपने बच्चों को इसको दिखाएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी अगला जब अगला वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा या फिर नए वीडियो का अपडेट मिलेगा। तो आज की क्लास को यही हम लोग समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।